उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज नमस्कार दर्शक मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य दुर्गाप्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर हम विभिन्न प्रकार के वीडियो डालते हैं, राशिफल के वीडियो होते हैं, कुछ आपके लिए उपयोगी टिप्स के भी वीडियो होते हैं। इसके अतिरिक्त हम जैसा कि आपके लिए कुछ ऐसे राशिफल भी देते हैं, और राशिफल के अतिरिक्त हम आपको क्या उपाय आपको रोज बर रोज करना चाहिए अभी मैं बताता हूँ। अगर आपके कोई सवाल है, कोई समस्या है, कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, या आपकी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, और या तो फिर आपके कुंडली बनवाना चाहते हैं, मैचिंग चाहते हैं, तो आप जरूर हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर नीचे दिया हुआ है। तो दर्शक मित्रों, चलिए हम शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग। लेकिन इसके पहले भगवान शिव को हम वंदन करेंगे। ओम नमोस्तवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादां शिशुरोर्वाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। अनंत अनंत ऐसे भगवान अनंत को वंदन करके शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, सक्षम 1945, वेद संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 7 अगस्त 2024 और बुधवार का दिन है। श्रावण महीने की आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है जो 20:21 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग आज परिद्रहेगा 11:40 तक। इसके बाद शिव योग का प्रारंभ होगा। आज का क्रम 33 है 8:58 तक। इसके बाद वणिजकरण का प्रारंभ होगा। और आज का राशि जो है सिंह रहेगी 27:14 तक। इसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। यानी 27:14 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण सिंह यानी माँ और ट अक्षरों पे नाम रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण पठाना अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आप जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चेयरमैन के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया आज का पंचांग। चलिए अब ध्यान देते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करते हैं मेष राशि से, अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाना बन सकता है। माता पिता के साथ का संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन आज कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। और आपके घर में अगर कोई वाद विवाद है तो सुलह करके निपटाना है। विदेश यात्रा वगैरह के काम बनने की तैयारी है और नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या करेंगे तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। भगवान शिव के मंदिर में गुड़ चढ़ाकर और जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम आपके मन में आ रहा है। आज सुबह से ही उत्साह में दिन जाता हुआ ऐसा दिखता है। लेकिन मित्रों, आज शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करना है तो बिल्कुल दूर रहिएगा। और आपके साथ जो संबंध है यानी शादी संबंध की बातें जो है वह आज बातें होंगी। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं और वाहन वगैरह खरीदने का भी योग बन रहा है। क्या करेंगे आज तो आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। और चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाकर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि का छह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है, लेकिन आज आप सुबह से ही कुछ मन से विचलित नजर आ रहे हैं। साथी आपके साथियों के साथ थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ दिखता है।
अगर साझेदारी में कोई व्यापार है तो वहां भी खटपट होने की संभावना है। मित्रों, आज आपको किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है और किसी के कहे कहावे में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। जब तक आप अपनी आंख से उस चीज को देख ना लो, तब तक उस पर विश्वास करना निहायती गलती होगी। इसलिए आपको क्या करना होगा, तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएंगे, भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक अर्पण करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके शिव जी पर काला तिल से, हल्दी से, चावल से मिश्रित करके जल में और जल चढ़ाइए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। चलिए मित्रों, जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके ग्रहों की स्थिति और गोचर की स्थिति दोनों की स्थिति अगर देखी जाए तो कार्य तो बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिन कार्यों में थोड़ी सी दिक्कत चल रही तो ठीक हो रहा है, पुराने रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज कुछ मनसा मन की इच्छा पूर्ण करने वाले कार्य आप करने जा रहे हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा, शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए शुभ और अच्छा है। क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, भगवान शिव के मंदिर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहे। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मोटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पर आपका जाना बन सकता है, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और कुछ लोगों को जिसको हम चाहते थे उन लोगों के साथ वाद विवाद भी बन सकता है। इसका मतलब यह होता है कि मित्र कोई गलत काम अगर आता है तो बिल्कुल उससे दूर रहिए। शेयर बाजार वगैरह में भी सावधानी रखिए। पैसों का लेन देन करने का दिन आपका नहीं है, इसलिए इससे बिल्कुल बेहद सावधान रहने की जरूरत है। क्या करना होगा, तो आज आप व्यसन से दूर रहेंगे और खान पान से दूर रहेंगे, गलत खान पान नहीं करना है। और घर में आज आप अपने कुल देवी माता का एक दीपक जलाइए और शिव जी भगवान के मंदिर में घी का दीपक दान करिए और साथ में एक फल अर्पित करके जलाभिषेक जरूर करिए। तो चलिए दर्शकों, तो अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठनाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया है, लेकिन एक बात बन रही है, आज आपका मन सुबह से ही विचलित नजर आ रहा है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नासाज हो ऐसा लगता है। संतान को लेके जो चिंता चल रही थी वह चिंता पूर्ण होगी अथवा तो संतान प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी करने वालों को प्रमोशन वगैरह मिलेंगे और जो यात्रा पर जाने का प्लानिंग था वह यात्राएं कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। तो क्या करेंगे आज, तो आज आप व्यसन से मुक्त रहेंगे यानी व्यसन से दूर रहेंगे और एक दूसरे की बातों को कहीं इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और साथ में भगवान शिव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक आप गन्ने के रस से करेंगे जिससे आपकी हर मनोकामना है पूर्ण। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो खर्च आपको नहीं करना था वो खर्च आप कर रहे हो ऐसा आपको एहसास होगा। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह जाने का योग बन रहा है और कुछ नए लोगों के मुलाकातें भी आपको होंगी जो व्यापार में चार चांद लगा सकता है। आज का उपाय रहेगा कि आपको किसी को मतलब दारू वगैरह का व्यसन नहीं करना है और साथ में खान पान से थोड़ा दूर रहना है। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और काला तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक जरूर करिए। तो चलिए दर्शक मित्रों, जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह का योग आपका बन रहा है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। विदेश यात्रा वगैरह के फायदे
मिलेंगे। क्या करेंगे? तो आज मित्रों किसी की जमानत लेने की जरूरत नहीं है। जिसको आप नहीं पहचानते उसके लिए अपना यह बलिदान व्यर्थ होगा। तो क्या करेंगे? तो आज भगवान शिव के मंदिर में आप मसूर की दाल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके शिव पर जलाभिषेक जरूर करिए। तो चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम धनु राशि भड़ फथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर दिख रही है। कुछ नया काम आज आपके पास आ रहा है और उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी परिस्थिति है अपनी परिस्थिति से बाहर पैर रखने की जरूरत नहीं है। सावधान होकर काम करना है। कोई छोटी मोटी बीमारी होने की संभावना बन रही है। तो क्या करेंगे? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे। चने की दाल भगवान शिव के मंदिर में दान करके दिन की शुरुआत करेंगे। इससे आपका दिन शुभ और सुंदर जाएगा। तो चलिए मित्रों जान लेते हैं मकर राशि ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। स्वार्थ मतलब किसी भी चीज को लेके आप टेंशन में हो ऐसा दिखता है। पैसों की थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है। थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। कामकाज में थोड़ी सी परेशानी चल रही है। जिन पर आपने विश्वास किया था वह विश्वास घात हो रहा है ऐसा भी नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे? तो आज विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है। आपको आज घर में घी का दीपक जलाइए और भगवान शिव के मंदिर में काला तिल हल्दी चावल मिलाकर शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करें। तो चलिए दर्शक मित्रों अब जानते हैं हम कुंभ राशि गर्षाक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाने का योग आपका बन रहा है। नए लोगों की मुलाकात भी हो रही है। कुछ गलत काम भी आ रहे हैं लेकिन आपको गलत काम से दूर रहने की जरूरत है। जमीन मकान के प्रश्न जो थे उनका कुछ नया सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है। हाँ विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप व्यसन से दूर रहेंगे और साथ में किसी पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे। आज काला तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करेंगे। तो चलिए दर्शक मित्रों जान लेते हैं मीन राशि अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं। आप उन कामों में व्यस्त रहिए। उन कामों को जरूर करिए। यानी जो कार्य थोड़ा मानसिक चिंता टेंशन डिप्रेशन जरूर रहता है। माता पिता के साथ के संबंध आपके अच्छे रहेंगे और पति पत्नी के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। खास तौर पर आपको संतान के कैरियर वगैरह को लेके थोड़ा चिंतातुर हो ऐसा नजर आ रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप व्यसन से दूर रहेंगे और खास तौर पर किसी पे अंधा विश्वास नहीं करेंगे। घर काला तिल हल्दी चावल मिलाकर पीपल के पेड़ में और शिव जी पर जल जरूर चढ़ाएंगे। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों ये तो हमने जाना बारह बारह राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं और लोग कहते हैं पैसे दे दिए पैसे आते नहीं है। तो नियम है एक हिंदी कहावत है कि लेत परम सुख उपजे लेकर दियो न जाए। पैसा लेते समय तो बड़ा अच्छा लगता है लेके देने में जब समय आता है तो बड़ी दिक्कत होती है। यही स्थिति हमारी आप सबकी बनती है। अगर आपके ऐसे पैसे फंसे हुए हैं तो सभी के नाम एक लाल अक्षर से एक पेन कागज पर लिखकर अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। इसके बाद आप एक अनार की कलम लेकर और एक लोटे में पानी भर के हनुमान चालीसा के 3 या 7 पाठ करिए और वो लकड़ी से पानी हलाते रहिए।
और उन व्यक्तियों का नाम लेते रहिए, पर इसमें क्रिया एक ही व्यक्ति की होती है, दो की एक साथ नहीं होती। इसलिए एक व्यक्ति का नाम लेते रहिए, वो पानी अंत में आपको किसी भी पौधे में डाल देना है। बस ऐसा करिए, देखिए आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।